ओम श्री साई राम। गीता वाहिनी 18वां अध्याय। उत्तरायण मार्ग ज्ञान के पवित्र तेज द्वारा आलोकित होने के कारण शुक्ल मार्ग के नाम से सम्मानित किया गया है। दक्षिणायन मार्ग अंधकार, तमस और अज्ञान से परिपूर्ण होने से उसे कृष्ण मार्ग कहा जाता है। जो अपनी देह उत्तरायण पक्ष में त्यागता है वह शुक्ल मार्ग द्वारा जाता है और मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है। यह अवस्था भ्रम रहित ब्रह्मानंद का स्रोत और वास्थान है, जहां एक बार पहुंचकर उसे फिर से नाम और स्वरूप वाली देहधारी प्राणियों की रंगभूमि में नहीं आना पड़ता। जो दक्षिणायन पक्ष में अपनी देह छोड़ते हैं वे कृष्ण पथ द्वारा जाते हैं और उन्हें फिर से जन्म मरण के प्रभुत्व में रहने वाले इस देह रूपी आवरण का भार वहन करना पड़ता है। उत्तरायण समय की अवधि मात्र न होकर मन की स्थिति है, जो अपनी देह आत्मज्ञान के तेज के साथ छोड़ते हैं वे उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, और जो अपने आत्मिक सत्य से अनभिज्ञ अज्ञान अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे पितरायन अथवा दक्षिणायन या कृष्ण पथ से यात्रा करते हैं। गुणों में सत्वगुण शुद्ध और तेजस्वी है, तमोगुण अंधकार की तरह काला है, इसलिए ये दोनों श्वेत और काले इन भिन्न रंगों के नाम से पहचाने जाते हैं। ईड़ा पिंगला नामक दो सूक्ष्म नाड़ियां हैं। ईड़ा बाईं ओर और पिंगला सुषुम्ना के दाहिनी ओर स्थित है। ईड़ा नाड़ी मार्ग को चंद्र मार्ग कहते हैं और पिंगला नाड़ी मार्ग को सूर्य मार्ग कहते हैं। योगी सूर्य मार्ग से आगे बढ़ते हैं और अन्य सब चंद्र मार्ग से। इस रहस्य पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी जिसने जन्म लिया है उसका मरण भी है। जहां संयोग है वहां वियोग भी है। जिसका निर्माण हुआ है उसका ध्वंस भी होता ही है। यह प्रकृति का नियम है कि जन्म का अंत मृत्यु है और मृत्यु से जन्म होता है। सर्वव्यापी ब्रह्म की प्राप्ति ही ऐसी अवस्था है जहां से वापस आना होता है, न कहीं अन्य जाना, क्योंकि ब्रह्म सर्वत्र सर्वव्यापी है। जहां ब्रह्म न हो ऐसी कोई जगह नहीं, इसलिए उसमें एक रूप होने वाले के लिए अन्य कहीं आने जाने का स्थान नहीं होता। वह स्वयं सर्वव्यापी ब्रह्म में तदाकार हो चुका है। यह अवस्था सबको प्राप्त हो सकती है, सब इसके अधिकारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसकी प्राप्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रयत्न, विशिष्ट सौभाग्य, कोई असाधारण कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। मन और ध्यान स्थिरता पूर्वक निरंतर भगवान में लीन रहे, इतना ही पर्याप्त है। इस प्रकार मन से चिपका हुआ भ्रम हट जाता है और मन की शुद्धि हो जाती है। यही मोक्ष है, क्योंकि मोक्ष मोक्ष ही है, अन्य कुछ नहीं। ऐसी मोक्षय की स्थिति जिसने प्राप्त कर ली है उसकी मृत्यु किसी भी प्रकार से हो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मत्व प्राप्त करता है, और ऐसे ही व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। इस पर अर्जुन ने एक प्रश्न उठाया, कृष्ण तुम जिसे ज्ञान कहते हो इसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। क्या गुरु द्वारा दिया गया उपदेश ज्ञान है, या शास्त्रों द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, या स्वानुभव से संपन्न व्यक्तियों द्वारा प्रकट किया गया अनुभव ज्ञान कहा जाता है? इनमें किस प्रकार के ज्ञान द्वारा व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, अभी तुमने ज्ञान के जितने प्रकारों का वर्णन किया है वे सब व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति की किसी न किसी स्थिति के लिए उपयोगी रहते हैं, लेकिन जन्म मरण के चक्र से तुम्हें छुड़ाने वाला ज्ञान इनमें से कोई नहीं है।
जो तुम्हें बंधन मुक्त कर सकता है वह केवल अनुभव ज्ञान है। यही तुम्हें मुक्त होने में सहायक हो सकता है। इस कार्य में गुरु से कुछ सहायता मिल सकती है, लेकिन वह तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता नहीं दिखा सकता। उसे तो तुम स्वयं ही देख सकते हो। इसके अलावा तुम्हें ईर्ष्या जैसे दोषों से भी मुक्त होना होगा, तभी तुम पूर्ण ज्ञानी कहलाओगे। जिसकी इस ज्ञान में श्रद्धा है, जो इसे प्राप्त करने का उद्यम करता है, इसे पाने की जिसे तीव्र उत्कंठा है, ऐसा ही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। उसे ईर्ष्या से मुक्त होना ही होगा। इसके अलावा उद्योग युक्त और श्रद्धा में होना होगा। मनुष्य के लिए उद्योग उसके छोटे से छोटे कार्यों में भी आवश्यक है। मनुष्य ही नहीं, पक्षी, पशु, कीड़े मकौड़े सभी को प्रयत्न या उद्योग से ही सफलता प्राप्त होती है। यदि तुम्हारे कार्यों में उद्योग का उत्साह और श्रद्धा नहीं है, तो तुम्हें फल की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। अर्जुन, मैं साक्षी हूँ, मेरे द्वारा ही यह प्रकृति, यह पंच तत्वों का पुंज, जिसे प्रपंच कहते हैं, बना है। सब चर और अचर वस्तुओं का निर्माता भी मैं ही हूँ। मेरे ही कारण, मेरे ही द्वारा ये प्रपंच भिन्न प्रकार से कार्यरत रहता है। जो मंद बुद्धि मेरे परम तत्व को नहीं समझते और ये भी नहीं जानते कि ये सब तत्व मेरे अधीन हैं और वे सब मेरी ही इच्छा का पालन करते हैं, वे ही मुझे एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखते हैं। कुछ श्रेष्ठ मनुष्य श्रद्धा पूर्वक मेरे ब्रह्म रूप का ध्यान करते हैं। अन्य लोग भिन्न नामों, भिन्न रूपों में मेरी उपासना करते हैं। कुछ अन्य मेरी ज्ञान यज्ञ और आत्म यज्ञ द्वारा उपासना करते हैं। किसी भी नाम या किसी भी रूप में मेरी उपासना की जाए, वो सब मुझी को प्राप्त होती है, क्योंकि सभी का लक्ष्य केवल मैं ही हूँ, अन्य और कुछ नहीं। अनेक नामों और स्वरूपों द्वारा मैं ही स्वयं आधारित होता हूँ। इतना ही नहीं, सब कार्यों का फल, फल देने वाला, आधार, प्रेरक, सबका संचालन करने वाला भी मैं ही हूँ। बार बार क्या दोहराऊं, मैं ही प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, स्थिति और लय की कारण शक्ति हूँ। मैं अजन्मा, अविनाशी, आदि कारण हूँ। मुझे आदि कारण को प्राप्त करो, यही मोक्ष है। जिसने ऐसा मोक्ष पा लिया है, वह जीवन युक्त जीवन काल में ही मुक्त है। इसलिए अर्जुन, यदि कोई मोक्ष प्राप्ति की, जीवन मुक्त होने की उत्कंठा रखता है, तो उसे कुछ न कुछ सुगम अनुशासन को अपनाना होगा। उसे शरीर के मोह को जड़ से पूर्णतया उखाड़ देना होगा। यह सुनकर अर्जुन ने बीच में ही प्रश्न किया, कृष्ण, पूर्ण विरक्ति, पूर्ण मोहनाश की इस साधना को आप क्या सुगम अनुशासन कहते हैं? क्या इसे आचरण में उतारना इतना सुगम है? सिद्ध योगी भी जब इसे कठिन मानते हैं, तो आप इतनी वाक्पटुता से इसे मुझ जैसे व्यक्ति के आचरण में उतारने योग्य कैसे बता सकते हैं? इसे सुगम बताकर आप इसकी स्तुति करते हैं, लेकिन ये तो एक महादुष्कर कार्य है। मुझे लगता है कि आप मेरी परीक्षा लेने के लिए ही ऐसा अनुरोध कर रहे हैं। क्या मैं कभी भी ऐसी स्थिति के योग्य हो सकता हूँ? क्या कभी मुझ जैसे को मुक्ति या मोक्ष मिल सकता है? मैं ऐसी आशा कभी कर ही नहीं सकता। इतना कह अर्जुन हताश होकर बैठ गए। कृष्ण देख रहे थे कि अर्जुन की हिम्मत धीरे धीरे टूटती जा रही है। उन्होंने दोबारा विश्वास दिलाने के लिए अर्जुन की पीठ थपथपाई और बोले, अर्जुन, इतनी छोटी सी बात से डरकर निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है कि इस बात को सुनते ही कोई विश्वास नहीं करेगा,
इसकी गहराई में विवेक बुद्धि की सहायता से ही उतरना चाहिए, तभी पता चलेगा कि इस अनुशासन में रहना उतना विकट नहीं जितना कि सोचा जाता है। पूर्ण विरक्ति पाने के लिए जटा बढ़ाना, भगवा पहनना या शरीर को कष्ट देकर कंकाल बना लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने सब कार्य भगवान को समर्पित कर बिना किसी फल प्राप्ति की इच्छा से कार्य करना ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मुक्ति का यही रहस्य है। इस दृष्टिकोण से सभी कार्य संपन्न करना कठिन नहीं है, केवल दृढ़ निष्ठा और उद्यम का होना आवश्यक है, बल्कि इनका तो प्रत्येक कार्य में होना आवश्यक है। इससे तुम समझ लोगे कि आध्यात्मिक कार्यों के लिए दृढ़ निष्ठा और उद्यम दोनों अनिवार्य ही हैं। मेरे भक्तों में से जो भी कोई अनन्य भाव से अपने सब कार्य मुझे समर्पित करता है, जो मेरा ही ध्यान करता है, मेरी ही सेवा, मेरी ही आराधना, मेरा ही स्मरण करता है, वह यह जान ले कि मैं सर्वदा उसके साथ रहता हूँ और इस लोक और परलोक की उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। मैं उसके योगक्षेम का स्वयं उत्तरदायित्व लेता हूँ। तुम मेरी बात को सुन रहे हो? यह प्रकट कर कृष्ण ने अर्जुन के निराश हृदय भरने हेतु दोबारा पीठ थपथपाई। भगवान के इस कथन ने कि भक्त के योगक्षेम का उत्तरदायित्व उन पर है, अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न किए हैं। अन्य लोगों का तो कहना ही क्या, पंडित तक इसका सच्चा अर्थ नहीं समझ सके हैं। टीकाकार भी इस घोषणा का प्रचार विविध रूप में करते हैं। भगवान का यह कथन अत्यंत ही पवित्र है। यह गीता रूपी शरीर की नाभि के समान है। विष्णु की नाभि ब्रह्मा का जन्म स्थान था। यह कथन भी ब्रह्म ज्ञान पिपासुओं के लिए उस नाभि या निवास स्थान के समान है। इसको आचरण में उतारने वाले व्यक्ति को संपूर्ण गीता समझ में आ जाती है। इस श्लोक के बारे में अनेकों रोचक कहानियां प्रचलित हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक विद्वान पंडित किसी प्रतापी महाराज के सामने गीता पर प्रवचन कर रहा था। एक दिन इस श्लोक की बारी आई। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़े उत्साह से पंडित श्लोक के विविध भावों को समझा रहा था, लेकिन महाराज ने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया और कहा, ये अर्थ गलत है। वह पंडित द्वारा दी गई प्रत्येक व्याख्या की शुद्धता पर तर्क करने लगा। बेचारे इस पंडित को अनेकों महाराजाओं की सभा में विशिष्ट स्थिति मिली थी और उन्होंने उसे वैभवपूर्ण पदवियों द्वारा सम्मानित भी किया था, लेकिन जब उस महाराजा ने भरी सभा में उसके श्लोक की व्याख्या को गलत कह निंदा की, तब वह इस अपमान से तिलमिला उठा। फिर भी उसने हिम्मत बटोरी और अपने कार्य फिर से शुरू किया। अपनी पूर्ण विद्वता के साथ योग और शेम शब्दों के विभिन्न भावार्थों पर बढ़िया सा प्रवचन देने लगा। महाराजा को ये भी सही नहीं जचा। उसने आज्ञा दी, इस श्लोक के अर्थ का सही पता लगाकर इसे ठीक से समझने के पश्चात ही कल फिर मेरे पास आना। इतना कह महाराज अपने सिंहासन से उठकर अंतःपुर में चला गया। पंडित में रही सही हिम्मत भी गायब हो गई। इस प्रकार अपमानित होने से वह चिंतित और व्याकुल हो गया। लड़खड़ाते हुए किसी तरह घर पहुंचा और गीता की पुस्तक एक ओर रखकर पलंग पर गिर पड़ा। पंडित की स्त्री को इससे बहुत आश्चर्य हुआ और वह बोली, आज राजमहल से आप इतने दुखी होकर क्यों आए हैं? मुझे बताइए,
क्या बात हो गई? चिंतातुर होकर उसने एक के बाद एक प्रश्नों की झड़ी बांध दी, जिससे पंडित को अपनी बीती सब बतानी पड़ी कि उसे कितना अपमानित होना पड़ा और महाराज ने कैसी अपमानपूर्ण आज्ञा देकर उसे घर भेजा इत्यादि। स्त्री ने शांति से सब बात सुनी और उस घटना पर गहरा विचार कर वो बोली, हाँ ठीक तो है, जो कुछ महाराजा ने कहा सत्य ही है। आपने श्लोक की जो व्याख्या की थी वह सही नहीं थी, फिर महाराजा उसे कैसे ठीक मानते? तुम्हारी ही भूल है। ये सुनकर पंडित गुस्से में एक क्रुद्ध नाग की तरह पलंग पर उठ बैठा। मूर्ख स्त्री, तू क्या जानती है? क्या मेरी बुद्धि तुझसे कम है? तू जो कि निरंतर रसोई घर में भोजन बनाने और उसे परोसने में ही लगी रहती है, मेरे जैसे प्रसिद्ध पंडित से भी अपने को अधिक विद्वान समझती है? बकवास बंद कर और मेरे सामने से चली जा, उसने गर्जना की। लेकिन वह महिला वहीं दृढ़ खड़ी रही और बोली, स्वामी एक सच्ची बात सुनकर आपको इतना क्रोध क्यों आता है? अपने मन में उसी श्लोक को एक बार फिर से दोहराइए और उस अर्थ पर विचार कीजिए। इसके बाद आपको स्वयं ही उसका सही उत्तर मिल जाएगा। इस प्रकार स्त्री ने अपने मधुर शब्दों से अपने पति के मन को शांत किया। तब पंडित ने श्लोक के प्रत्येक शब्द का सूक्ष्म विश्लेषण करना शुरू किया। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, उसने शुरू किया और फिर सावधानी पूर्वक सोच सोच कर इसके भिन्न भिन्न भावार्थ जोर से कहने लगा। स्त्री ने बीच में ही टोक कर कहा, शब्दों के केवल अर्थ को सीखकर उनकी व्याख्या करने से क्या लाभ? इन महाराजा के पास आप किस प्रयोजन से गए थे, मुझे बताइएगा। आपके वहां जाने का असली कारण क्या था? इस पर पंडित क्रोध से भुनभुना उठा, क्या मुझे इस कुटुंब का, इस घर का पोषण नहीं करना? तुम्हारा इन सब कुंटुंबियों का खाने पीने कपड़े और अन्य वस्तुओं के खरीदने के लिए खर्चा मैं कहां से लाऊंगा? वास्तव में मैं इसी प्रयोजन से महाराजा के पास गया था, नहीं तो उनसे मुझे और क्या काम होता, उसने चिल्ला कर कहा। तब स्त्री ने उत्तर दिया, भगवान कृष्ण द्वारा इस श्लोक में जो घोषणा की गई है, यदि उसे आप किंचन मात्र भी समझे होते तो महाराजा के पास आपको जाने की उत्कंठा होती ही नहीं। भगवान ने इस श्लोक में यह प्रकट किया है कि यदि उनकी आराधना अनन्य भाव से बिना किसी अन्य विचार के की जाए, यदि कोई अपने को उन्हें समर्पित ही कर दे, निरंतर उनका ही ध्यान करे, तो भगवान स्वयं इस प्रकार पूर्ण रूप से शरण में आए हुए भक्त की सब इच्छाएं पूरी कर देंगे। इन तीनों का आपने पालन नहीं किया। महाराजा के पास आप इस विश्वास से गए कि वह आपको सब कुछ देंगे। यहां आपका आचरण इस श्लोक के भावार्थ से बिल्कुल भिन्न था, इसलिए महाराजा ने आपकी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। यह सुनकर वह प्रख्यात पंडित थोड़ी देर स्तब्ध बैठकर उसके कथन पर बारंबार विचार करने लगा। उसे अपनी भूल समझ में आ गई। अगले दिन वह महाराज के पास नहीं गया और अपने घर में ही कृष्ण की पूजा में लीन हो गया। उधर महाराजा ने पंडित को सभा में आया न देखकर उसका कारण पूछा तो हरकारों ने पता लगाकर बताया कि वह घर में ही है और बाहर निकला ही नहीं। महाराजा ने उसे संदेश भेजकर बुलवाया, लेकिन पंडित ने बाहर आने से मना कर दिया और कहा, मुझे किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा कृष्ण मुझे सब कुछ देगा, वो स्वयं मेरा योगक्षेम वहन करेगा। मैंने अपमान सहा क्योंकि केवल शब्दों के विविध भावार्थों को जानने की उत्कंठा में मैं अंधा हो गया था और तब तक उनके आंतरिक तथ्य को समझ नहीं सका था। भगवान की शरण होकर यदि मैं निरंतर उनका ही ध्यान करूं तो वह मुझे
स्वयं ही जो कुछ मैं चाहूंगा देंगे। हरकारे ने जब यह संदेश राजमहल में पहुंचाया तब राजा पैदल ही पंडित के घर गया और उसके चरणों में गिरकर बोला, जिस श्लोक की आपने कल व्याख्या की थी उसका भावार्थ अपने स्वानुभव द्वारा आज मुझे समझाने के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार महाराजा ने पंडित को सचेत किया कि आध्यात्मिकता का प्रचार यदि अपने अनुभव की घड़िया में गलकर न निकला हो तो वह केवल ऊपरी चमक और आडंबर मात्र ही रहता है। इस विषय को तुमने समझ लिया ना? आज भी अनेकों विद्वान गीता का प्रवचन करते फिरते हैं, उसका प्रचार करते हैं, लेकिन उसके सिद्धांतों को आचरण में नहीं उतारते। वे तो संसार को मूल्यहीन छिलके पाठ्य पुस्तक के अर्थ मात्र शब्दार्थ की व्याख्या ही बताते हैं। गीता का आचरण में अभ्यास न कर उसका प्रचार करना उस पवित्र ग्रंथ का मूल प्रयोजन नष्ट कर उसका अपमान ही करना है। वे गीता को अपने जीवन की प्राणवायु कहकर प्रशंसा करते हैं, उसे सब शास्त्रों का मुकुट कहते हैं, उसे साक्षात भगवान के अक्षरों से निकली वाणी कहते हैं। वे पुस्तक को इतना आदर दिखाते हैं कि उसका नाम लेते ही उनके नेत्रों में अश्रु उमड़ने लगते हैं, उसे वे अपने सर पर लगाते हैं, आंखों से स्पर्श करते हैं, अपने पूजा घरों में रखकर बड़े उत्साह से उसकी पूजा कर भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये सब आदर, इतनी सब पूजा केवल कागज के लिए, पुस्तक के लिए ही है। यदि उनमें वास्तव में भगवान के शब्दों के लिए या पुस्तक के विषय के लिए आदर होता तो वे उसे आचरण में उतारने का प्रयत्न अवश्य ही करते, है ना? नहीं, वे ऐसा कोई प्रयत्न नहीं करते। उन्हें लेश मात्र भी गीता का ऐसा अनुभव या ज्ञान नहीं होता। यदि होता तो वे धन कमाने के लिए अपने अनुभव का प्रचार न करते और केवल भगवान के अनुग्रह की ही याचना करते। नहीं, आजकल के इन करोड़ों गीता प्रचारकों में से एक भी ऐसा गीता प्रचारक नहीं है जिसे भगवान के अनुग्रह की आकांक्षा हो। यदि उनमें ऐसी आकांक्षा होती तो वे आमदनी या धन के बारे में न सोचते। जय साईं राम।